हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला और प्यारा सा चैनल आपका आईक्यू स्टडी बाय अनिरुद्ध कुमार शुक्ला सर। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड होते क्या हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लिगेंड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, और उस लिगेंड को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना भी होगा। लिगेंड्स होते क्या हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लिगेंड्स जैसे कि दिया है द आयंस और मॉलिक्यूल्स। और पहली चीज़ तो आपको ये समझना है, लिगेंड एक नॉन मेटल से बना ग्रुप होता है या एलिमेंट होता है या आयन होता है, नॉन मेटल। बच्चों बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको रटाना चाह रहा हूँ अच्छे से समझा के। लिगेंड्स होता क्या है, लिगेंड एक ग्रुप ऑफ एटम होता है या लिगेंड्स एक लिगेंड्स एक न्यूट्रल फॉर्म का कोई ग्रुप या एलिमेंट होता है, या लिगेंड्स जो है कहने का मीन्स हुआ कि न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरी चीज़, लिगेंड बना किससे होता है, लिगेंड हमेशा नॉन मेटल से बना होता है। खूब अच्छे समझिए, लिगेंड किस चीज़ से बना है, लिगेंड नॉन मेटल ग्रुप या एलिमेंट और आयन से मिलके बना है। समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा लिगेंड्स क्या होते हैं। तो आप बताएंगे लिगेंड्स के बारे में, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। खूब अच्छे सुनिए बेटा, बहुत सिंपल कहता है लिगेंड्स क्या है, तो कहते लिगेंड के बारे में आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे लिगेंड के बारे में, द आयंस और मॉलिक्यूल्स आर बाउंड विद सेंट्रल मेटल एटम। यही है, द आयंस और मॉलिक्यूल्स आर बाउंड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग एक बार मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप एक बार देख सकते हो। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट है, देखिएगा, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कोबाल्ट, NS3 का होल 5 Cl और आउटर मोस्ट में है Cl2। अच्छे से देखिएगा, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, ये न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, प्राइमरी वैलेंसी, ये दोनों सेकेंडरी वैलेंसी। स्ट्रक्चर इसका लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल, कैसे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को देख के स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, स्ट्रक्चर बच्चों हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी को देख के बनाते हैं। 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 5 बॉन्ड कितना हुआ 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और अभी मैं इसके पहले पिछले लेक्चर में बताया था, जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, तो स्ट्रक्चर लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल होता है। बच्चों कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कह रहा है लिगेंड कह रहा है, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड, ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जो बाउंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आर कॉल्ड लिगेंड्स, उन्हें कहते हैं लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल ये सामने आपके दिख रहा है, जैसे एग्जांपल बेटा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब, ये पूरा कंपाउंड हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है, पूछा जाए कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहता है, समझिएगा फिर से, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, कहता है ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जो बाउंड होता है, अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आर कॉल्ड लिगेंड्स। ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आता है, ओके। ये भी लिगेंड डायरेक्टली नहीं, लेकिन ये लिगेंड जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये भी अटैच होता है, लेकिन ये लिगेंड जो आउटर साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का लिगेंड है, ये लिगेंड आयनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम से आयनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा,
ठीक है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे, बट जो बैक साइड का लिगेंड है, ये लिगेंड दो साइड का, टू टाइप का बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज आयनिक, ओके। बट NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, NH3 मेक ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ओके। तो बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ, टाइप मीन्स कितने फॉर्म में लिगेंड, टाइप तो हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई, टाइप भी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इसके बाद अभी डिस्कस करते हैं। देखिए लिगेंड का अगर आप टाइप बच्चों पढ़ेंगे तो लिगेंड भी वैसे देखा जाए तो 4 टाइप के लिगेंड होते हैं। कौन कौन होते हैं जान लीजिए। नंबर एक होता है यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट का मतलब आप अच्छे समझिए, कैसे जानेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड है। यूनिडेंटेट का मतलब ऐसा लिगेंड जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दोज लिगेंड विच मेक ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड, उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। चलिए लिगेंड का दूसरा टाइप क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड। सेकेंड टाइप का जो लिगेंड है वो कहलाता है डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। पहला है यूनिडेंटेट जो बता दिया, जिसमें ऐसा लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। दूसरा होता है डाइडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड। तो डाइडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड आर दोस टाइप ऑफ लिगेंड विच मेक टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड, ओके। तीसरा होता है बच्चों, पहला है आपका, पहला कौन है यूनिडेंटेट लिगेंड, दूसरा है डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड, तीसरा है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली मींस मोर देन टू, पॉली लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विच मेक मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। आई रिपीट अगेन अबाउट पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विच मेक मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल एटम्स, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वह दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम। एंड लास्ट में आता है एक एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड मैं जब पढ़ाऊंगा तो सिर्फ साथ में बताऊंगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड डाइडेंटेट लिगेंड की तरह होते हैं, थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होते हैं, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बट अभी राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो एक्चुअली बच्चों राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्म ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने फॉर्म में होते हैं, नॉट टाइप, ओके। तो हम लोग पहले फॉर्म देखते हैं, लिगेंड कितने फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों लिगेंड्स आर मेनली डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म, लिगेंड्स मेनली थ्री फॉर्म में डिवाइड है। नाम उनका है नेगेटिव लिगेंड। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो दोज लिगेंड्स विच हैव नेगेटिव चार्ज, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड नेगेटिव लिगेंड्स, ओके। सेकेंड है पॉजिटिव लिगेंड्स। तो व्हाट इज पॉजिटिव लिगेंड्स, देन यू कैन से अबाउट पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज, दोज लिगेंड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड्स। एंड लास्ट पे हम चलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। व्हाट इज न्यूट्रल लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, दोज लिगेंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, then this type of ligands are called neutral ligands. So guys, I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ligands कितने फॉर्म में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ligands mainly three form में है। नंबर एक negative ligands, it means those ligands which have negative charge, then this type of ligands are called negative ligands. And second is positive ligands. Positive ligands are those type of ligands which have positive charge, then this type of ligands are called positive ligands. And हम लोग थर्ड पे चलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड आर दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो न्यूट्रल लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनकी वैलेंसी जीरो होती है। नेगेटिव लिगेंड की वैलेंसी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव लिगेंड की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल लिगेंड की वैलेंसी जीरो होती है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग अच्छे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव लिगेंड्स। सो बच्चों हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने चल रहे हैं नेगेटिव लिगेंड के बारे में।
एंड देयर नेम. पहले हम लोग नेगेटिव लिगेंड देखते हैं, फिर उसका नाम देखते हैं, और उसका नेम हम आईपीएससी में देखते हैं. क्यों? क्योंकि जो बोर्ड में पेपर, जो बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनका आपको आईपीएससी नेम नोट करना पड़ता है. तो कंपाउंड का आपको आईपीएससी नेम बताना पड़ता है. इसीलिए हम लोग जो न्यूट्रल लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड या नेगेटिव लिगेंड है, इन सबका हम लोग आईपीएससी नेम कन्फर्म करेंगे. ओके, चलिए हम लोग देखते हैं. जैसे बच्चों Cl- माइनस है तो इसका आईपीएससी नेम होगा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लोराइडो. देखो Cl- माइनस को सही सही क्लोराइड आयन कहा जाएगा, लेकिन इन केस आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में Cl- माइनस का आईपीएससी नेम होगा बच्चों क्लोराइडो. Br- माइनस का होगा बच्चों ब्रोमाइडो. I- माइनस का होगा आयो आयोडाइडो. ये आप नोट करते रहिए, हम लोग आगे चलते हैं. आगे है NO2 माइनस ONO माइनस. ये है बच्चों, इसका नाम देखिए, NO2 का नाम है नाइट्राइट आयन. सही सही NO2 माइनस का नाम है नाइट्राइट आयन. बट यहाँ पर इसका आईपीएससी नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NO2 का आईपीएससी नेम होगा नाइट्राइटो. क्या नाम होगा बच्चों? नाइट्राइटो. लेकिन नाइट्राइटो के बाद, अच्छा देखेंगे दोनों कंपाउंड में, इसमें NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन NO2 में इसमें N पहले है और इस NO2 में O पहले है. तो इसका नाम नाइट्राइटो, तो स्टूडेंट्स इसका भी नाम होगा नाइट्राइटो. दोनों का नाम नाइट्राइटो. भाई ये भी NO2, ये भी NO2, बट इसमें N पहले है, इसके नाम में आगे हो जाएगा नाइट्राइटो N, और O पहले है इसलिए इसके नेम के आगे हो जाएगा नाइट्राइटो O. तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करिए. NO2 ये भी है, NO2 ये भी है, इसका भी नाम नाइट्राइटो, इसका भी नाम नाइट्राइटो, लेकिन N पहले है तो नाइट्राइटो N, O पहले है तो नाइट्राइटो O. ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए. आगे चलते हैं, जैसे कहीं आपको दिख गया O, O2 माइनस. ओके, O2 माइनस प्लस आपको दिख जाए O2 पे 2 माइनस प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस. तो चलिए इनका नाम हम देखते हैं आईपीएससी नेम. वैसे कम यूज होते हैं ये दोनों यूज कम होते हैं, लेकिन आप नाम इनका अच्छे से जान लीजिए. अच्छे से इनका नेम आप देखेंगे, O2 माइनस 2 और O पे माइनस 2. इनका नाम होगा, इसका नाम होगा ऑक्सो, ऑक्सो, और इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट पर ऑक्सो. क्या नाम होगा बेटा? पर ऑक्सो. ओके, इसका नेम होगा पर ऑक्सो. तो आप इसको अच्छे से नोट करो, और हम इसको इरेज करते हैं ऊपर साइड में. आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहो. चलिए आप लोग अच्छे से नोट करते रहो, हम लोग चलते हैं आगे. आगे जैसे है बच्चों, चलिए हम लोग कुछ पहले नोट करते हैं. जो मैं स्टार बनाते बच्चों, एक काम करिएगा, मैं कुछ स्टार बनाता चल रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में ज़्यादा लिगेंड पूछे जाते हैं. नोट सब कर लो, लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके सामने स्टार कर लो, जिससे आपको समझ में आता रहे हमें कौन सा ज़्यादा पढ़ना है. ओके, तो जिनके सामने स्टार नहीं होगा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा. ठीक है, तो ये आप नोट करिए अच्छे से. ठीक है, और बच्चों आप लोग नेम देखते रहिएगा अच्छे से. यहाँ तक मैं बता दिया आपको, NO2 ये भी है, NO2 ये भी है.
तो इस NO2 पर भी सिंगल माइनस, इस NO2 पर भी सिंगल माइनस, इसका भी नेम नाइट्राइटो, इसका भी नेम नाइट्राइटो, बट इसमें N पहले है इसलिए नाम इसका नेम होगा नाइट्राइटो N। और बच्चों इसमें इसका नेम है ONO, O पहले है, ये भी NO2 इसलिए इसका नाम नाइट्राइटो, N पहले तो नाइट्राइटो N, इस ये भी NO2 इसका भी नाम नाइट्राइटो लेकिन O पहले तो नाम नाइट्राइटो O, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अच्छे से नोट कर लेना। O2 के ऊपर 2 माइनस, इसको कहते हैं परऑक्सो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड इस ये दो जो ये नेम जो यहाँ मेंशन है ये इसका अल्बेशी नेम है, ओ के ऊपर 2 माइनस इसका नाम है ऑक्सो। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ आप देखिए C2O4 2 माइनस, तो C2O4 2 माइनस का सही नाम है बच्चों ऑक्सलेट आयन। क्या नाम होता है? ऑक्सलेट आयन। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में इसका अल्बेशी नेम होगा ऑक्सलेटो। क्या लिखा जाएगा? ऑक्सलेटो। और C2O4 को शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं OX लिख दिया जाता है, तो जहां कहीं आपको OX दिखेगा इसका मतलब समझ लीजिएगा C2O4 की बात हो रही है। और ये सब बैलेंसी आपको रट लेना है, लेकिन बैलेंसी उन्हीं की रटनी है जिनके सामने स्टार लगा है, सबकी मत रटिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपके नॉलेज के लिए लिखवा दे रहा हूँ, जिस पे स्टार लगा है वहीं आपको रटना है। ओके, तो आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है, और भी नाम आप नेम को अच्छे से नोट करते रहो। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, तो इसका नाम होगा, इसका नाम है नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। अच्छे सुनिए बच्चों, इसका नाम है नाइट्राइड आयन, तो हो जाएगा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। इसका फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन नाम है तो होगा फॉस्फाइडो। चलिए ये आप अच्छे से तरह नोट करिए, हम आगे चलते हैं, आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। CH3COO- इसका नेम होगा बच्चों ये एसीटेट आयन है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम होगा एसीटेटो, एसीटेटो। ओके, और भी नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है, आप अच्छे से नोट करते रहो, जैसे कि दिया हुआ है इसका नेम होगा थायोसाइनेटो, बच्चों अच्छे से देखिएगा। मैंने बताया C2O4 के ऊपर 2 माइनस है जिसका चार्ज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी कभी पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है आपको निकालने के लिए, तो ये आपको चार्ज याद होने चाहिए, वहाँ पे चार्ज की नीड पड़ती है, इसलिए आप जिन पे स्टार लगा है उनका चार्ज तो जरूर याद करिएगा, बाकी किसी का चार्ज आप याद करिए या ना करिए, लेकिन स्टार वालों का चार्ज जरूर याद करिएगा। इसका नेम होगा ऑक्सलेटो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा OX। और OH माइनस, OH माइनस का सही नेम है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में इसका अल्बेशी नेम होगा हाइड्रोक्साइडो। अगला है SO4, इसका सही नेम है सल्फेट आयन, लेकिन यहाँ पर इसको कहेंगे सल्फेटो, और P3 का नाम है फॉस्फाइड, लेकिन इसको इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अल्बेशी के केस में लिखा जाएगा फॉस्फाइडो, ऐसे ही नाइट्राइडो। ऐसे CH3COO- का नाम है, इसका नेम है बच्चों, ऊपर वाले का नाम नेम है CH3COO- का नेम है एसीटेट आयन, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू कैन राइट द नेम ऑफ अल्बेशी एसीटेटो। एंड यस CN, CN मीन साइनेट आयन, बट यस लग गया, यस को कहते हैं थायो ग्रुप, सल्फर, यस मीन सल्फर, सल्फर को थायो ग्रुप कहा जाता है, तो यस CN को कहेंगे थायो, और CN साइनाइड का बन जाएगा साइनेटो, तो नेम हो जाएगा थायो साइनेटो। और इसी का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, NCS, तो बच्चों देखो कहीं CN है तो इसका नाम साइनेट है, साइनेट हो जाएगा, कहीं बच्चों अगर ऐसा दिया हो CN माइनस तो नेम होगा साइनेट आयन, लेकिन अगर बच्चों ऐसे दे दिया गया उल्टा तो इसका नेम होगा आइसो साइनेट आयन, आइसो लग जाएगा, थोड़ा सा उल्टा होगा तो आइसो लग जाएगा, तो यहाँ पर देखो उल्टा हो गया तो नेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार वाले आप जल्दी से नोट करो और हम आगे चलते हैं। CLO3- इसका नेम होगा क्लोरेटो,
अच्छे से नोट करते रहो। NH माइनस टू, इसका नेम होगा इमीडो। नोट करते रहो अच्छे से, NH के ऊपर टू माइनस नेम क्या होगा, इमीडो। अगला होगा NH2 के ऊपर सिंगल माइनस, बेटा कहीं आपको दिख गया NH2 के ऊपर सिंगल माइनस, इसका नाम होगा एमाइडो। मैं नीचे का वाला इरेज कर रहा हूँ, जो नीचे आप अच्छे से नोट करते रहो ऊपर का, और आगे देखते रहिएगा। आगे है CO3, यदि बच्चों आपको दिख गया CO3 टू माइनस, इसका नेम है कार्बोनेट आयन, बट इन केस ऑफ कॉनेशन कंपाउंड यू कैन राइट द नेम ऑफ हाइब्रिडेशन, तो नेम होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। तो बच्चों ये अच्छे समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल माइनस, तो इसका नेम सही नाम, इसका नेम है हाइड्राइड आयन। क्या नाम है, हाइड्राइड आयन, लेकिन यहां पर इसका नेम हो जाएगा बच्चों हाइड्राइडो। क्या नेम होगा, हाइड्राइडो। नोट करते रहो अच्छे से। और आगे जो है यनो थ्री का बचा हुआ है, अभी यनो थ्री का नेम है बच्चों, यनो थ्री पे सिंगल माइनस का चार्ज, NO3 को कहते हैं नाइट्राइट आयन, लेकिन NO3 का के IUPAC के केस में इन केस ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। तो इतना इनफ है इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड के लिए इतना इनफ है। कुछ और भी हैं, उनको भी मैं नोट करा रहा हूं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों, तब हम लोग चलते हैं आगे। ओके, मैं रेस करूँ इसको बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ और भी निगेटिव में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मोस्टली वैसे हो गए हैं, एक और है पॉलीडेंटेट में बताना चाह रहा हूँ, जिसका नेम है बच्चों EDTA, इसका नेम है इथाइलीन डाइएमीन, ब्रेकर में नोट कर लो, इथाइलीन डाइएमीन, इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अच्छे से नोट करिए, EDTA, EDTA के ऊपर कितना माइनस का चार्ज होता है, 4। बच्चों अच्छे से देखिए, दिस इज पॉलीडेंटेट लिगेंड, बच्चों दिस इज पॉलीडेंटेट लिगेंड, क्योंकि देखिए माइनस फोर इट मीन्स यहाँ पे फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम, तो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो पॉलीडेंटेट में आ जाएगा, दो होगा तो डाई, वन होगा तो यूनि। तो EDTA, EDTA का फुल फॉर्म होता है बच्चों इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मैं बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, देख लीजिए। इथाइलीन मीन्स हुआ एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है। आगे कह रहा है इथाइलीन का आगे डाइएमीन, एमीन मीन्स NH, यन ग्रुप है, ठीक है, और एक एन यहाँ और एक एन यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक H लगा लेते हैं, CH2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी CH2, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से लगाइए, इथाइलीन हुआ, डाइएमीन, डाइएमीन हुआ, टेट्रा एसीटेट आयन, देखिएगा एसीटेट आयन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2COO माइनस, फिर होगा CH2COO माइनस। ये जो स्ट्रक्चर है कितने माइनस हुए बेटा, 1111, टोटल माइनस कितना हुआ, -4। इसका मीन्स इसी को कहते हैं बेटा EDTA की पावर पे -4, ठीक है। और कैसे स्ट्रक्चर हुआ मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम चलते हैं पॉजिटिव लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं, आप जल्दी से नोट कर लो। ओके चलिए, तो अब आप लोग बच्चों नोट करिए, सेकंड नंबर पे है पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स मींस पॉजिटिव लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स विच है पॉजिटिव चार्ज, दोज लिगेंड्स विच है पॉजिटिव चार्ज, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड्स। यू कैन टेक एग्जांपल, आप यू कैन राइट एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं बच्चों उसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज को,
सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, पॉजिटिव लिगेंड के इंड में क्या आता है बच्चों, अच्छे से देखिएगा। पॉजिटिव लिगेंड जितने होते हैं उनके इंड में, जो पॉजिटिव लिगेंड, जैसे नाम, आप जैसे आप लोग अभी अभी इसके पहले आपने अभी इसके पहले आपने नेम पढ़ा था बच्चों, पॉजिटिव के पहले पढ़ा था नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड खूब अच्छे से आपने डिस्कस किया नेगेटिव लिगेंड, तो उसमें भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं उसमें बताया नहीं, भूल गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव लिगेंड के इंड में लिखा जाता है ओ, जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, ओ आया लास्ट में, सल्फेट है तो सल्फेटो, ओ आया लास्ट में, तो जितने नेगेटिव लिगेंड है उनके लास्ट में ओ आता है। वैसे बच्चों जितने पॉजिटिव लिगेंड है उनके भी इंड में क्या आता है, ईएम आता है, क्या आता है, ईएम, ये अंडरलाइन करिएगा, पॉजिटिव लिगेंड के इंड में ईएम आता है। जैसे कुछ पॉजिटिव लिगेंड में बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम पूछता है, पूछेगा तो आप जानते रहिएगा। जैसे बच्चों है एनओ, एनओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनओ पे प्लस का चार्ज, जब स्टूडेंट्स एनओ पे प्लस का चार्ज होता है, जब बच्चों एनओ पे प्लस का चार्ज होता है, अच्छे समझिए बच्चों, जब एनओ पर प्लस का चार्ज होगा तो इसका नेम होगा नाइट्रोसोनियम, क्या नाम होगा, नाइट्रोसोनियम, अच्छे से नोट करिए, नाइट्रोसोनियम। तो देखो लास्ट में ईएम आया कि नहीं आया, ये वो देखिए, समझिए, एंड में ईएम आएगा। अगला बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ है NH2NH3+, ये है, ये एक पॉजिटिव लिगेंड है, NH2NH3 के ऊपर प्लस, और इसका नेम हो जाएगा बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, NH2NH3+ है, और एक और है NO2+, एक और है आपका NO2+, इतने टाइप के पॉजिटिव लिगेंड इनफ है आपके हमारे लिए, तो इसका नाम होता है इसका नेम पहले ऊपर वाले नेम हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, इसका नाम है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। तो देखो ईएम आया कि नहीं आया, ऐसे NO2+ का नेम आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स, तो नाम होगा नाइट्रोनियम, क्या नाम होगा बच्चों, नाइट्रोनियम। तो देखो ईएम आ गया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉजिटिव लिगेंड इतने ही आपके इंपॉर्टेंट पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, खूब अच्छे से नोट करिए। इसके बाद एट लास्ट हम चलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत आता है, पेपर में बच्चों दो ही ज़्यादा लिगेंड पूछे जाते हैं, एक निगेटिव लिगेंड बहुत पूछा जाएगा, दूसरा ज़्यादा पूछा जाता है न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि पूछा जाएगा तो आपके नॉलेज के लिए इनफ है, तो आप जल्दी से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, चलिए आप हेडिंग लिखिए न्यूट्रल लिगेंड्स, क्या हेडिंग है बच्चों, हेडिंग है बच्चों न्यूट्रल लिगेंड्स। नो व्हाट इज न्यूट्रल लिगेंड, आप क्या बताएंगे न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, तो आप बताएंगे दोज लिगेंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, those ligands which do not have any charge, then this type of ligands are called neutral ligands। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए और नाम भी देखते रहिए, जैसे बेटा कहीं पे आपको NH3 दिखा तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, और जितने न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इनकी वैलेंसी बच्चों इक्वल होती है जीरो की, इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो। न्यूट्रल लिगेंड की वैलेंसी क्या होती है, जीरो। NH3 की वैलेंसी जीरो होगी, और NH3 का नेम होता है बच्चों अमाइन। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, NH2 एंड NH3 का नेम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ, NH2 एंड NH3 के नेम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप अच्छे से इनके नेम में डिफरेंट देखिए। NH2 में होता क्या है कि एमीन में सिंगल एम होगा, AMINE, और इसमें डबल एम होगा, इसलिए मैंने नेम थोड़ा चेंज करके पढ़ा एमीन, या कहीं ऐसे देखिए नॉर्मल समझने का तरीका, कहीं आपको कंपाउंड में सिंगल एम दिखा तो जान लीजिए NH2 की बात हो रही है, और कहीं डबल एम दिख गया तो जान लीजिए NH3 की बात हो रही है, अमाइन इसका भी बेसी नेम हुआ। अगला है बच्चों एक शॉर्ट नेम है,
पहले आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नेम क्या है बच्चों, अच्छे से देखिए, इसका नेम है इथेन। वन कामा टू डाई एमीन, देखिए सिंगल एम है ना, देखो NH2 लगा है। इथेन दो कार्बन के बीच, दो कार्बन है तो इथ हुआ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ, इथेन। ये वन पोजीशन, ये टू पोजीशन, वन एंड टू पे एमीन ग्रुप लगा है दो, तो हुआ इथेन 1,2-diamine। ओके, तो बच्चों इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, पेपर में कहीं बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है, नोट किया जाता है EN। तो कहीं अगर EN नोट है तो जान लीजिए इस EN का फुल फॉर्म नेम है इथेन 1,2-diamine एंड स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बच्चों इसी के साथ थोड़ा एग्जांपल बताता चल रहा हूँ यूनिडेंटेट लिगेंड की एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड की एंड डाइडेंटेट लिगेंड की। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा बच्चों NH3, इस NH3 में कितने लोन पेयर हैं, इस NH3 में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। लेकिन अभी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, जाने दीजिए अभी लोग चलते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप नेम नोट कर लीजिएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड के नेम क्या है, कैसे लिखे जाएंगे, जल्दी से आप नोट करिए। अगला है बच्चों, अगला है, आप देखते रहिएगा, न्यूट्रल लिगेंड में अगला है, नेक्स्ट है H2O। H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, और जितने न्यूट्रल लिगेंड है सब की वैलेंसी जीरो। तो न्यूट्रल लिगेंड वाटर का ऐसी नेम होगा बेटा एक्वा। चलिए अच्छे से नोट करो, अब हम चलते हैं आगे इसके बाद। ठीक है, चलिए इरेज में कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी से नोट करिए। चलिए इरेज हो रहा है, अब मैं आगे चलता हूँ, हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो है C6H5N, इसका नेम क्या होगा बच्चों, अच्छे से नोट करिएगा इसका नेम, इसका नेम होगा पायरीडाइन। शॉर्ट फॉर्म इसका है PY। किसी कंपाउंड में बच्चों शॉर्ट फॉर्म में PY नोट है, तो PY मींस हुआ पायरीडाइन, और इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5N। अगला जो है हमारे पास बच्चों, अगला जो है न्यूट्रल लिगेंड, उसका फार्मूला है C6H5 का होल थ्राई, और इसके बाद है P। इसका नेम भी आप पहले नोट करिए, इसका नेम मैं बता रहा हूँ, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या नाम है बच्चों इसका, नेम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, और शॉर्ट फॉर्म जो है इसका है PPH3। देखिएगा तो इसका नेम क्या है, ट्राई PH मींस फेनिल, को अच्छे से देखिएगा बच्चों, ट्राई फेनिल पी से फॉस्फेट, अच्छे से देखिए PPH3 का कैसे फुल फॉर्म माना गया, देखिएगा थ्री ऐसे थोड़ा सा ऐसे बनाइए PH3। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म होगा थ्री मीन्स ट्राई, PH मीन्स फेनिल, तो ट्राई फेनिल अपी से फॉस्फिन, तो नाम हुआ ट्राई फेनिल फॉस्फिन। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म, कहीं आपको PY दिखा तो पायरीडाइन हुआ, स्ट्रक्चर ये फार्मूला ये हुआ, कहीं PPH3 दिखा इसका मीन्स हुआ ट्राई फेनिल फॉस्फिन, और फार्मूला C6H5 का होल थ्राई पी। ओके, तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, इन सब की वैलेंसी जीरो होती है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड है, मैं नोट करा रहा हूँ, आप जल्दी से नोट करो। चलिए अगला जो है, अगला है आपका PS3, इसको कहते हैं फॉस्फेट। NH2 CS NH2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखते रहिएगा। और इसके पहले जो हमने H2O लिखाया, NH3 लिखाया, EN लिखाया, वो सब भी स्टार कर लीजिएगा, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो NH2 CS ओके, NH2 CS NH2, तो NH2 CS NH2
आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, इसको आईपीएससी, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, और इसका जो आईपीएससी नेम होता है इनकेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बच्चों थायो यूरिया। क्या होता है? थायो यूरिया। अच्छे से नोट कर लो, थायो यूरिया, और इसका शॉर्ट फॉर्म है टी यू, मीन्स टी से थायो, यू से यूरिया, कहीं टी यू दिखा तो जान लीजिए थायो यूरिया। अच्छे से नोट कर लो, इट इज, एक और बचा हुआ है, मैं वहीं और बता दूं आपको, इसके बाद एक दो और हैं, आप जल्दी से नोट किए ले होंगे, मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, फिर दो और हैं, जैसे एक और है बच्चों यनो, कहीं आपको केवल एनो दिख गया, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रोसिल। इसको जल्दी से नोट करते रहो आप लोग, बोलेंगे नाइट्रोसिल। चलिए, नाइट्रोसिल, एनो को बोलते हैं नाइट्रोसिल, और केवल यनो, देखो बेटा अंतर एक ही, इसके पहले भी मैंने बताया था, यनो प्लस है, तो यनो प्लस लग गया तो ये पॉजिटिव लिगेंड हुआ, इसका नेम होता है नाइट्रोसोनियम, ठीक है, लेकिन यदि यनो अकेला है, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, और इसका नेम है नाइट्रोसिल। और एक और है, आप देखिएगा अच्छे से, सीओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सीओ, सीओ को कहते हैं बच्चों कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बोनिल हो गया। एक और है सीएस, सीएस को बच्चों बोलते हैं हम लोग थायो कार्बोनिल, क्योंकि सल्फर लग गया, सीओ कार्बोनिल, सल्फर लग गया, थायो कार्बोनिल, क्या बोलेंगे? थायो कार्बोनिल। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छे से। एक लास्ट बचा है, लास्ट भी आप जल्दी से देख लीजिए, साथ में हमारे थोड़ा बेंजीन ड्रिंक की तरह बनाइए, ये बच्चों बन के रेडी हो गया, और इसका नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, डाई फेरिडिल, इसका नाम है डाई फेरिडिल। डाई पायरी, पायरीडिल, और शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा जाता है बच्चों ये लास्ट है, इतना इनफ हो गया। तो यनो है तो इसको कहेंगे नाइट्रोसिल, ठीक है, यनो प्लस हो गया तो नाइट्रोसोनियम, जो कि पॉजिटिव लिगेंड हो जाता है। सीओ भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है, ये ऐसे है, कहीं के बच्चे छोटा लिख देंगे तो इसको कोबाल्ट कहते हैं, अंतर होता है बच्चों, सीओ एंड सीओ में डिफरेंस है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कोबाल्ट मेटल है, दोनों अंतर है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, सीएस है तो थायो कार्बोनिल हो जाता है, बेंजीन रिंग दो नाइट्रोजन लगे हैं, बैलेंस कर लो, इसके बाद ये दोनों को मिलाकर बनता है डाई पायरीडिल, और इसका शॉर्ट फॉर्म है DIPY। ओके, तो बच्चों टुडे इज इनफ, आज के लिए बहुत हुआ इतना। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स, यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड डाइडेंटेट एंड एमीडेंटेट। सो गाइज, आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, अच्छे से कॉपी में राइट करिए, व्हाट्सएप पे फ्लैश करिए, जो बच्चे स्कूल के हैं, अदर जो बच्चे हैं वो लोग वैसे देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।